ये बंदा है जी, ये है जी सलमान शहबाज और ये है जी आजम सवाती साहब। ये वो बंदा है जिसके ऊपर मनी लॉन्ड्रिंग, करप्शन, रिश्वत के इल्जाम है। ये वो बंदा है जिसके ऊपर सिर्फ एक ट्वीट पोस्ट करने का इल्जाम है। ये वो बंदा है जिसको प्रोटोकॉल दिया जाता है, सरकारी प्रोटोकॉल दिया जा रहा है, 5 साल मफरूर रहा है, इल्जाम है करप्शन के। और ये वो बंदा है जिसको नंगा किया जा रहा है, 70 साल का बब है। ये वो बंदा है, ये जब लंदन से निकलने का इरादा करता है तो जमानतें जारी हो जाती है जी, हिफाजती जमानतें जारी हो जाती है। ये वो बंदा है जिसे कभी एक सुबह से दूसरे सुबह, दूसरे सुबह से तीसरे सुबह मुंतकिल किया जाता है। इनका क्या कसूर है कि इसने ट्वीट कर दिया? ये जो खानदानी चोर है, इसको प्रोटेक्शन दी जा रही, इसको प्रोटेक्ट किया जा रहा है, इसको नहीं प्रोटेक्ट किया जा रहा। क्यों? क्योंकि ये सच बोलता है। और ये कोई नुमाइंदा नहीं है, ना कोई सेनेट का मेंबर है, ये एक अवाने बाला के सेनेट के मेंबर है। और इन्हें नंगा करके देखने की बड़ी अच्छी इनके। ये वो बंदा है जिसे पाकिस्तान आते ही हाई कोर्ट से जमानत मिल गई है। और ये वो बंदा है जो अदालतों में जलील हो रहा है, जमानत के बावजूद रिहाई नहीं मिल रही इनको कोई रिमांड नहीं, 5 साल बाद है कोई रिमांड नहीं, इनको रिमांड पे रिमांड। ये वो बंदा है जो यहाँ से मफरूर है 5 साल से। और ये वो बंदा है जो यहाँ पे यहाँ की अदालतों में और यहाँ के थानों में धिक्के खा रहा है। ये असल में इनको नंगा नहीं करते आजम सवाती को, ये पूरे निजाम को नंगा करते हैं, ये पूरी अदलिया को नंगा करते हैं, पूरे पाकिस्तान को नंगा करते हैं। यार ये हमारे मुल्क का निजाम है, हम इसलिए आए, हम इनके गुलाम है। सर हमने तो गुलामी बड़ी देर से मुस्तरद कर चुके हैं, ये पता नहीं अब किस चीज पे उछल रहे हैं। ये वैसे इनका जीना मरना पाकिस्तान में नहीं है, वैसे ये कहेंगे जी पाकिस्तान, या इनको कुर्सी से उतार दो या इख्तदार से उतार दो।